हेलो फ्रेंड्स, आई एम शिल्पा एंड यू आर वाचिंग माय चैनल स्टडी मेंटर शिल्पा। ओके, सो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम क्रिटिकल रीजनिंग के बारे में बात करेंगे। ठीक है, क्रिटिकल रीजनिंग ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। ये आपको आईबीपीएस पीओ मेंस एंड एसबीआई पीओ मेंस के एग्जाम में जरूर देखने को मिलेगा। 6 से 8 क्वेश्चन आपको डेफिनेटली क्रिटिकल रीजनिंग पर मिलेंगे। ठीक है, सो देखिए, स्टेटमेंट एंड आर्गुमेंट, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन, स्टेटमेंट एंड अजम्पशन, कोर्स ऑफ एक्शन, कॉज ऑफ इफेक्ट, इन्फरेंस, इस टाइप के क्वेश्चंस आपको क्रिटिकल रीजनिंग में देखने को मिलेंगे। ठीक है, मतलब थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दी रहेगी, जैसे मैथ्स में कैसलेट डीआई की इन्फॉर्मेशन दी होती है, उसी टाइप में रीजनिंग मतलब एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन दी रहेगी, उस पर बेस्ड आपको ये सारे क्वेश्चंस रहेंगे। ठीक है, लेकिन ये बहुत ही अच्छे से आपको सॉल्व करना होगा। अगर आपने एक भी डिसीजन गलत हो गया आपका उसमें, तो आपको नेगेटिव मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, इसलिए नेगेटिव मार्किंग से बचने के लिए हमें क्रिटिकल रीजनिंग टॉपिक को इम्पोर्टेंस देना है। ठीक है, सो देखिए, उसके लिए सबसे पहले फ्री सोर्स है यूट्यूब वीडियोस, तो उसमें आपको सबसे पहले तो फॉलो करेंगे क्रिटिकल रीजनिंग बाय हर्षल सर। ठीक है, ये लर्निंग कैप्सूल उनका चैनल नेम है, तो ये आप यूट्यूब पर सर्च करेंगे क्रिटिकल रीजनिंग बाय हर्षल सर, तो उनका एक पूरा टॉपिक उन्होंने एक ही वीडियो में कवर किया है, जिसमें उन्होंने स्टेटमेंट एंड आर्गुमेंट्स वगैरह ये सब डिस्कस किया है। ठीक है, उसके बाद और एक है अड्डा 247 पर एक वीडियो क्रिटिकल रीजनिंग बाय सौरभ सर, आप चाहेंगे तो मैं इसका दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। ठीक है, तो ये दोनों वीडियोज आप फॉलो करेंगे तो आपको डेफिनेटली यूजफुल होगा। ठीक है, और आपको प्रैक्टिस कहाँ से करनी है, तो आप जो भी आपने मॉक्स लिए हैं उसमें टॉपिक टेस्ट होता है वो आप फॉलो कर सकते हैं, या फिर अगर आपके पास कोई कैट की बुक है, मतलब कैट एग्जाम की बुक है, ठीक है, तो वहां से भी आप इसके प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, सो फ्रेंड्स, अगर आपको ऐसे ही वैल्यूएबल वीडियो चाहिए तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।